हेलो एवरीवन, मैं आपसे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग रीमा थरेजा के ऑक्सफोर्ड हायर एजुकेशन जो पब्लिकेशन है इसके मैं प्रॉपर्टीज में शेयर करने जा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ अ वीडियो। इट्स सेकंड एडिशन। स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पहला चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जैसे पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, दो बातें होती हैं। पहला एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना क्या और कैसे करना है, क्योंकि हार्डवेयर को कुछ नहीं पता होता। दो भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम अगर आगे बढ़े तो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स के सारे हो सकते हैं, ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ। क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं इनकी, दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपके स्प्रेडशीट, डाटाबेस, गेम्स, वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया आपके जैसे ओएस हो गया, जो आपके नए फंक्शंस बनाता है कि भाई हार्डवेयर अगर मान लो वो काम नहीं कर सकता तो नए फंक्शंस बनाए कि भाई हार्डवेयर ये भी काम कर सकता है आपका, जिससे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन किया जा सके। इसके एग्जांपल्स जैसे हो सकते हैं आपका, देखिए गेम्स, स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर। ये बातचीत किससे कर रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत कर रहे हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर आपका ये काम कर रहा है, देखिए प्रिंटर, माउस, स्कैनर, ये इनकी बातचीत हो रही है। देखिए जो ओएस है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर की बातचीत है, उनका इंटरफेस कराता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन एक्सेस कर रहे हैं? एन यूज़र्स, 1 2 3 4 अप टू एन नंबर ऑफ यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर बायोस की अगर हम बात करें, देखिए एक स्टैंडर्ड है, डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है जो फर्मवेयर के लिए काम आता है। फर्मवेयर वो चीज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का एक फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर आपको बताता है कि अगर आपका ओएस अगर सिस्टम में नहीं डला हुआ तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आता है। वो किस में होता है? फर्मवेयर में। फर्मवेयर में जो भी चीज़ लिखा होता है उसे स्क्रीन पर लाने का काम कौन करता है? बायोस करता है। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस क्या करता है कि भाई अगर आपके कोई सिस्टम के साथ अगर आपका वीडियो डिस्प्ले कार्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, तो उन सब को चेक करता है कि क्या वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो सिस्टम डिवाइसेस सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उनको कैसे टेस्ट करता है? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा कई तरीके के टेस्ट वो उसके ऊपर आजमाता है। ठीक है, उसके बाकी आप फंक्शन दे सकते हैं कि रैम टेस्ट करता है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम को देखेगा, फिर ओके क्या सीरियल पोर्ट से पैरेलल पोर्ट्स हमारे काम कर रहे कि नहीं कर रहे, यूएसबी पोर्ट काम कर रहे कि नहीं कर रहे। और सिस्टम समरी की इन्फॉर्मेशन जो होती है सिस्टम के बारे में, जो भी जानकारी है उनको वो डिस्प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल, उसका जो मेन मकसद है क्या है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल और उसे अच्छी तरह कन्वीनियंट, उसको आसान बनाना, आसान और उसको काफ़ी एफिशिएंट बनाना, उसको काफ़ी स्फूर्ति पड़ा बनाना। जैसे अगर आप काफ़ी अच्छा काम चाहते हैं कि भाई अगर आपका अच्छे तरीके से काम हो सके जो आप चाह रहे हैं, वो काम आपका अपने सिस्टम का करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज या कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने में सुविधाजनक आपकी मदद कर सकें। और जैसे में आपके आते हैं डिफ्रैगमेंटर्स, चेकर्स, स्क्रीनर्स, फाइल मैनेजर, डिपार्टीशन करने के सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, लॉन्चर एप्लीकेशन, कमांड लाइन इंटरफेस जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और आपका GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एक असेंबलर होता है। ये तीन टाइप के आपके होते हैं। ट्रांसलेटर जो आपके मशीन लैंग्वेज और को आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये मशीन लैंग्वेज जो होती है, कंपाइलर क्या करता है? पूरे ही सोर्स कोड को क्या करता है? इकट्ठा ही उसको पहले कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो वो मशीन लैंग्वेज किसको मिलती है? हार्डवेयर को। हार्डवेयर क्या भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज की। और जो मशीन लैंग्वेज में जो कोड में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। अगर मान लीजिए अगर उस कोड को कन्वर्ट करने के दौरान आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के दौरान अगर उसे कुछ भी कोई त्रुटि या कोई भी गलती मिलती है, उसे अगर वो गलती आपकी टाइपिंग के द्वारा हुई है या स्पेलिंग कोई मिस्टेक हुई है या ग्रामेटिकल या मिस्टेक हुई है या मात्रा में गलती, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अगर मात्रा में आपने गलती है तो वो शब्द सही से नहीं समझ में आता, तो उसे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, अगर कंपाइलर को कोई आपका शब्द आपका लिखा हुआ शब्द समझ में नहीं आए तो कंपाइलर उसको नहीं समझ पाएगा। दूसरा टाइप का जो एरर होता है उसे कहते हैं लॉजिक एरर, कि आपने सब कुछ सही लिखा लेकिन उसके बाद भी अगर आपका प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा आप कराना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिक एरर। तो काफ़ी मुश्किल आती है उन्हें ढूंढना और उन्हें ठीक करना। पहले समझना पड़ता है कि जो एरर आ रही है वो किस वजह से आ रही है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह ही काम करता है, बट फ़र्क इसका ये है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी, और ऐसे ही कई तरह के हाई लेवल प्रोग्राम्स होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हमारा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हुए लिंकर लोडर की बात करें। लिंकर सिंपल है कि एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक प्रोग्राम से जोड़ता है, कि भाई अगर एक प्रोग्राम मेरा अगर इनपुट और डिवाइस का प्रयोग कर रहा है तो वो प्रोग्राम इनपुट से जोड़ दिया जाएगा कि हाँ भी इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हो गया लिंकर। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए सबसे अहम चीज़ ज़रूरी होती है आपका एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड अगर आपने कहीं रख रखा है तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा एडमिट कार्ड मैंने वहाँ रखा है, तो आपके दिमाग ने क्या किया, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या हो गया आपका एडमिट कार्ड, और अब एग्जीक्यूट आप कर रहे हैं कि मुझे एडमिट कार्ड ढूंढना है, तो वो चीज़ उसको लिंक कर दी, उसने याद के द्वारा लिंक कर दी कि भाई आपका चीज़ वहाँ रखे वहाँ जाके ले लीजिए, तो वो चीज़ हो गई आपकी लिंकिंग का प्रोसेस। लोडिंग का प्रोसेस हो गया जैसे प्रोग्राम्स को कॉपी करता है स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी पे जहाँ से वो एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। जैसे आपका विंडोज़ लोड होती है सेकेंडरी मेमोरी से, मतलब हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम के अंदर लोड होती है, जिसे हम बूटिंग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, जो कंप्यूटेशंस होती हैं, जो मैं काम कराता हूँ कंप्यूटर पे, उसके द्वारा उसमें उसी भाषा में लिखा जाता है। एक तरीके की भाषा होती है जो हम समझ सकते हैं, हमारे समझ में आने वाली भाषा जो होती है उसे हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो कंप्यूटर की भाषा समझ में आती है जो हमें समझ नहीं आती उसके लिए हाई लेवल होती है, जो होती है वो होती है मशीन लैंग्वेज होती है, उसके लिए काफ़ी लो लेवल होती है, वो वही समझ सकता है नंबर। लेकिन ये भाषा मशीन लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, इसलिए इनके बीच में कन्वर्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर या फिर किसी टाइप का असेंबलर जैसा ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि किस टाइप की लैंग्वेज हमारी बढ़िया रहती है, तो उसमें डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप का कंप्यूटर है जहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, किस टाइप का प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एक्सपर्टीज़, उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, उसको वो किस फील्ड में एक्सपर्ट है, किस प्रोग्राम कौन सी अच्छी प्रोग्रामिंग उसे आती है, लैंग्वेज आती है। इस तरह से एग्जाम्पल लेकर फोरट्रैन जो होता है न्यूमेरिकल डाटा के लिए होता है, पास्कल होता है रीडेबल प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन वो सी की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, और C++ एक स्टेप आगे जाता है सी से, तो काफ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और हम आगे देखेंगे ज़रा, पहले हमारे आते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जैसे हम 1GL भी कहते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की भाषा होती है, कंप्यूटर 1 और 0 की भाषा में समझ सकता है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सबसे खास बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये होती है कि न्यूमोनिक्स, इसमें M साइलेंट होता है, न्यूमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है सिंबल्स, या एक हमने कोड को, उसी कोड को हमने किस पर डिपेंड करके एक तरह के शब्द दे दिए उसको, कि अगर ऐड के लिए ये चीज़, जैसे मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, उससे हम क्या कहते हैं, हमने ऑप कोड कह दिया, ऑपरेशन कोड कह दिया। ठीक है, ऑपरेशन कोड होता है और उससे कई सारे ऑपरेंड जोड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मूव है, 2 ऑपरेंड है कि 4 जो है एक्स नाम का रजिस्टर के अंदर वैल्यू जो 4 है उसको मूव कर दिया जाए, या 6 जो नंबर है वो BX नाम के रजिस्टर में मूव करा दिया जाए, और जो AX में जो है नंबर है और BX में जो भी कंटेंट है इनको ऐड करके AX में ही डाल दिया जाए, सो रिजल्ट इन AX। तो ये इस टाइप की लैंग्वेज होती है हमारी, होती है असेंबली लैंग्वेज होती है। इसको एक बार आप फिर भी थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम इसका आगे अगला सेशन करेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरी हम बात आते हैं थर्ड जनरेशन जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं, जैसे 3GL कहते हैं। 3GL जो होती हैं, देखिए 3GL लिखा भी है, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं। काफ़ी एरर्स की संभावना कम हो जाती है, ईजियर होती है, एफिशिएंट होती है, इंग्लिश लाइक मैनर में इसको लिखा जाता है। एग्जांपल्स इसके हो गए आपके फोर्ट्रैन, पास्कल, कोबोल, C++, C, जावा, बेसिक जो होते हैं। बेसिक की फुल फॉर्म देखिए, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक जो लैंग्वेज आई थी उसका फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा बेसिक जो लैंग्वेज थी उसका फुल फॉर्म आप कैसे देखेंगे, तो बेसिक B से हो गया बिगनर्स, A से हो गया ऑल पर्पस, S से हो गया सिम्बॉलिक, I से हो गया इंस्ट्रक्शन और C से हो गया कोड। तो ट्रांसलेटर ज़रूरी होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के एक्जीक्यूटिबल फॉर्म जो फॉर्म में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वेरी हाई लेवल 4GL जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनमें हमारे टेबल फॉर्मेट्स या डेटाबेस मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, जैसे उसके क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ज़रा इसको आगे। द ओनली डाउन साइड ऑफ 4GL, इसका सबसे एक ही इसका एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है। क्या है कि भाई मशीन के रिसोर्स को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता, ये अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, फास्ट है और काफ़ी इसके जो कॉस्ट है, जो हमें इसको चलने के लिए कॉस्ट होती है, काफ़ी कम होती हैं। 5GL होती है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग कंस्ट्रेंट्स गिवन टू प्रोग्राम। ठीक है, रादर देन यूजिंग एल्गोरिथम रिटन बाय प्रोग्रामर। हम प्रोग्रामर एल्गोरिथम लिखने के बजाय अगर उससे को दे दे के भाई आप सॉल्व करिए प्रॉब्लम, आप इन बातों का ध्यान रखिए, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, 5GL जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लॉजिक बताती है कि ये लॉजिक होगा तो ये काम करिए, जिससे जाके लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के अंदर किया हुआ है। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके प्रोलॉग, OPS5 और मर्करी जैसे विजुअल बेसिक भी एक तरह की आपके 5GL है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर स्लाइड शो ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसको मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड करने की, तो अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने इसको मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट।